बड़े लंबे समय से कुंभ राशि वाले जातक हर तरफ एक ही बात सुन रहे हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, किंतु बहुत से कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों को किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को मिल ही नहीं रहा। इवन समस्याएं धीरे धीरे कर कर बढ़ रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं बहुत सटीक विश्लेषण कर कर बताने जा रहा हूं कि शनि महाराज आपको कुछ शुभ फल देने वाले भी हैं या नहीं देंगे, या फिर फिजूल में ही कर रहे हैं आप इंतजार। और अगर देंगे तो किस कंडीशन में देंगे, क्या क्या देंगे, कब देंगे, और क्या आपको उपाय करने चाहिए ताकि शनि महाराज का कुंभ राशि में प्रवेश होने के पश्चात शत प्रतिशत मिल सके आपको आशीर्वाद। नमस्कार, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए शनि फल की। शनि प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2023 से 2025 की गणना में क्या संकेत दे रहा है? पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, उदयगत अवस्था में भी आ गए, अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में भी आ गए, उसके पश्चात भी बहुत से कुंभ राशि वाले जातकों को शनि महाराज का श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिल ही नहीं रहा। सबसे पहले समझ लीजिए कि शनि इस स्थान पर बैठकर फल क्या देते हैं। ये 30 वर्ष पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर चुके हैं, किंतु एक अवस्था जहां शनि की 7.5 से भी आप ग्रसित हैं, दूसरी स्थिति में जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आज उसे ही क्लियर करने बोर्ड के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप एक जातक हैं। अगर शनि महाराज आपकी कुंडली में इस एक स्थान जहां एक नंबर लिखा हुआ है इस स्थान पर विराजित हैं, लग्न से छठवा घर आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, छठवा घर ये होता है, शनि महाराज इस स्थान पर आकर विराजित हो गए। लग्न से आठवा घर, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवा घर ये होता है, शनि आपकी कुंडली में इस स्थान पर विराजित हैं। लग्न से बारहवा घर आप काउंट करेंगे तो यहां से बारहवा घर ये माना जाता है। अगर शनि देव आपकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं, छठवें आठवें या बारहवें घर में विराजित हैं, तो यहां पर शनि महाराज आपको इस मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने के पश्चात भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। डरिएगा मत, समझिए इसको, कैसे इस स्थान पर होने के पश्चात भी हम शनि महाराज का शुभ फल निकाल सकते हैं वो भी बताऊंगा। शनि देव किन व्यक्तियों को शुभ फल देना प्रारंभ कर चुके हैं? आप में से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोग हैं, उनको शनि महाराज ने श्रेष्ठ फल देना प्रारंभ भी कर दिया। मेरे पास बहुत सारे कमेंट मैसेज फोन आते हैं कि शनि महाराज के राशि परिवर्तन के पश्चात हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, किंतु किनको नहीं मिलेंगे वो सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया, लग्न से तीसरा घर जहां एक नंबर लिखा है, छठवें आठवें बारहवें घर में यदि शनि महाराज हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि शनि महाराज की स्थिति यहां पर अच्छे फल दे। दूसरी स्थिति, यहां पर शनि महाराज ना आपकी कुंडली में मेष राशि में है जहां नीच के हो जाते हैं, ना 6, 8 और 12वें घर में है, एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, बाकी कहीं पर भी होंगे अच्छे फल देते हैं, किंतु शनि महाराज में यदि डिग्री वाइज बलाबल भी नहीं है ना, तो यहां आपको ये परिपूर्णता से रिजल्ट नहीं दे पाते, धीरे धीरे फल देंगे। अगर शनि वृद्ध अवस्था में है, अगर शनि बाल्यकारक अवस्था में है, तो इसके रिजल्ट तो आपको मिलेंगे किंतु वो स्लो स्लो मिलेंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी छोटे बच्चे को या वृद्ध व्यक्ति को आप एक कहें कि एक पानी की बोतल हमें लाकर दे दो, वो आपको तुरंत रूप से ला देगा। उसी बच्चे को यदि आप कहें 50 किलो पानी की बाल्टी उठा ला, तो वो चाहकर भी नहीं ला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना बल ही नहीं है। और ग्रहों का सारा खेल बल के ऊपर डिपेंड होता है, कितनी डिग्री में युवा अवस्था में जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि महाराज एक अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, शत प्रतिशत
जनवरी से ही इनको श्रेष्ठ लाभ मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। दूसरी स्थिति का जो शनि महाराज का योग चल रहा है, शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में भी आ चुके हैं, शनि की आपके ऊपर साढ़े साती भी चल रही है और हमेशा कहा जाता है शनि महाराज न्यायप्रिय हैं। साढ़े साती ढैया जो हमारे जीवन में आती है ये हमारे कर्मों का भोग भुगाने आती है। आप अपने कर्मों की स्थिति को जितना शुद्ध बनाकर रखेंगे उतना ज्यादा श्रेष्ठ कारक स्वरूप में लाभ देते हैं शनि महाराज, क्योंकि ये जज हैं और जज का कर्तव्य होता है सही डिसीजन निर्णय निकाल कर देना। अब जिनकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, डिग्री वाइज कम है, उनको भी क्या उपाय करना चाहिए, और जिनकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं 6, 8, 12 में बैठे हैं उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले ये उपाय सभी को करने चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए तो शनि महाराज की रोजाना आप आराधना करो। बहुत से लोग कहते हैं शनि की नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है, किंतु शनि नव ग्रहों में इतने न्यायप्रिय अवस्था के ग्रह हैं कि यदि आप सीधे ही इनके पास पहुंच जाएं तो ये आपके संकट वैसे ही हटा देते हैं। रोजाना नियमित रूप से आप शनि चालीसा का पाठ करना चालू करें, 108 बार रोजाना ओम शन शनेश्चराय नमः का जाप करना प्रारंभ करें। ध्यान ये रहे कि शनि का जाप और शनि चालीसा का पाठ आपको शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात करना है। इतना ही करना काफी नहीं है। सबसे पहली अवस्था, शनि महाराज न्यायप्रिय हैं तो इनको पसंद क्या है, तो इन्हें पसंद है किसी के साथ भी आप छल कपट बेईमानी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, किसी का पैसा हड़पना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अपने से नीचे दर्जे के जो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं इनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु, जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी यदि आप देते हैं बहुत अच्छे लाभ आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाते हैं। शनिवार के दिन आप छाया दान कर सकते हैं, एक सराई में मिट्टी का जो बड़ा दीपक होता है उसमें तेल लेकर अपना चेहरा देखें, दांत देख लें, नाखून इस प्रकार से देख लें, उसे यदि आप किसी डाकोत को दे देते हैं, शनि मंदिर में अर्पित कर देते हैं, या फिर घर के आसपास में कोई पीपल का पेड़ हो वहां पर इसकी लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं, शनि महाराज की स्थिति आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो समझा आपने, सबसे शुद्ध फल देंगे जिनकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, डिग्री वाइज बने हुए हैं, दूसरी स्थिति में अच्छे भाव में है, डिग्री वाइज कम है, उनको धीरे धीरे कर लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में नीच के होकर 6, 8, 12 में बैठे हैं इनके लिए अच्छे फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शनिदेव बाध्य हो जाते हैं इस स्थान पर अशुभ फल देने के लिए। इनकी अशुभ फल की स्थिति को आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो अपने सदकर्मों से अच्छा कर्म करें, दरिद्री स्वरूप का योग ना बनाए, नित्य स्नान करना आपके लिए आवश्यक है, नाखूनों को बड़ा ना होने दे, शेविंग बहुत बड़ी मत रखिए, बालों को बिल्कुल अच्छे स्वरूप में बनाकर रखिए और भगवान शनि महाराज की आराधना कीजिए, शनि से निमित्त दान पुण्य कीजिए। 100% आपके लिए 6वें, 8वें, 12वें घर में होते हुए भी, नीचस्थ होते हुए भी शनि महाराज आपको शुभ फल देना चालू कर देते हैं, क्योंकि ये स्थान से ज्यादा प्रधानता लेते हैं कर्म की। आपके कर्म कैसे आप कर रहे हैं उसके अनुसार इनको फल देने की बाध्यता है। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी है जहां 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठने के पश्चात भी शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं उन लोगों के कर्म के आधार पर। तो ये प्रयोजन आप करना चालू कीजिए। 2023 से 2025 की गतिविधि में शनि महाराज की जो स्थिति रहेगी ये आपके लिए निश्चित रूप से बड़े अच्छे लाभ देगी। लग्न में बैठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा करेंगे, पराक्रम भाव पर दृष्टि देकर मेहनत के अनुसार रिजल्ट देंगे, दैनिक रोजगार भाव है ये, दाम्पत्य स्थान है ये, पार्टनरशिप का भाव होता है, यहां से संबंधित आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे। 10वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को बहुत मजबूत कर देते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, यहां से बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अग्रिम समय के अंदर शनि महाराज जो वक्र गति का प्रभाव देने जा रहे हैं उससे संबंधित भी एक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, किंतु आपसे निवेदन है इस अवस्था को समझकर अपने शनि महाराज की आराधना का योग बनाओ। मैं फिर से कहूंगा इससे सुंदर ग्रह कोई इस नवग्रहों में कोई भी नहीं होगा।
ये सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म के आधार पर फल देते हैं। शनि महाराज का लग्न में आते ही जादू हो जाएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना एक बेवकूफी समान है। अपने कर्म हम खराब करते जा रहे हैं, शनि महाराज एक अच्छे भाव में भी बने हुए हैं तो भी आपको अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि इनका सारा प्रभाव कर्म के ऊपर आधारित होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।